स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आइए बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट की माने, अखबार की माने, खबरों की माने, तो यहाँ पर प्रभात खबर की तरफ से बताया जा रहा है कि बिहार में इस माह बांट दिए जाएंगे 3 लाख नए राशन कार्ड। यानी आपने RTPS से आवेदन किया था राशन कार्ड के लिए या किसी भी माध्यम से आपने आवेदन दिया था, तो यहाँ पर 3 लाख निर्गत जो राशन कार्ड है वो हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसी माह आपको बांट दिया जाएगा। ठीक है, कोरोना काल में आपको फ्री अनाज मिलेगा। जैसे आपको मिल जाता है राशन कार्ड, तो उसके बाद आप जो है फ्री अनाज ले सकते हैं, जो कि राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में मई माह में 3 लाख नए राशन कार्ड बनाकर जारी कर दिए जाएंगे। इस राशन कार्ड पर 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को जन वितरण केंद्रों के जरिए राशन मिलने लगेगा। परंपरागत राशन के अलावा समय समय पर राशन संबंधी अन्य सेवाएँ भी इनको मिल सकेंगी। तो आपके पास यदि आवेदन संख्या है, तो हम आपको PC स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको स्टेटस में दिखता है कि आपका निर्गत हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी हम आपको बताते हैं प्रक्रिया कैसे डाउनलोड करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका लिस्ट में नाम आ चुका होता है और अब जब वहाँ पर जाते हो डाउनलोड करने के लिए, तो आप नहीं ढूंढ पाते हो। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि नाम में मिस्टेक होता है, नाम में गड़बड़ी होता है। आपका नाम रहेगा लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा या नाम ही एकदम चेंज रहेगा। ठीक है, तो आपको ठीक तरीके से बढ़िया से जो है जांच करना है, चेक करना है, तभी आपको जो है अपना राशन कार्ड मिल सकेगा। ठीक है, इसके अलावा आप PDS दुकान के पास जाएंगे, जो राशन आपके डीलर होते हैं, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा राशन कार्ड आया है नहीं आया है। ठीक है, तो अभी हम ऑनलाइन प्रक्रिया आपको बता देते हैं। आइए चलिए PC स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, यदि आपने काउंटर से RTPS काउंटर से राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो आप इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बिहार में जो सा भी आपका जिला है, वो जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो सा भी आपका अनुमंडल होगा, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपने जो आवेदन किया होगा, उस आवेदन में आपको एक RTPS संख्या लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर फिल कर देना है और शो पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको स्टेटस स्थिति जो है दिख जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट पे आना है। इसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर बिहार में जो सा भी आपका ज़िला होगा, वो ज़िला आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अर्बन रूलर जो सा भी आपका होगा यहाँ पर, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अर्बन शहरी और रूलर जो है ये ग्रामीण के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ से टाउन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर FPS नाम है, यानी डीलर का नाम है। ठीक है, तो जो भी आपका डीलर होगा, वो डीलर आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहां आपका राशन कार्ड नंबर, कार्ड टाइप और यहां राशन कार्ड होल्डर का नाम, फादर का नाम। यहां होल्डर का नाम से आप खोजिएगा, कई बार होल्डर का नाम गलत होता है, तो फादर का नाम भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कन्फर्म होने के लिए आप इस वाले पर क्लिक करिएगा, राशन कार्ड जो नंबर दिख रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, तो आपके सामने आ जाएगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको फ़ोटो नहीं मिलता है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको राशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी किसी में यहाँ पर फ़ोटो अपडेट कर दिया गया है। तो बस आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं देखिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बता दीजिए गुड बाय, टेक केयर।